वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं प्लीज लम्बी का। तो अब हम देखते हैं कि जो उसके बाद फिर ना उनका होता है टाइम गुजरता है, और फिर ना जैसे जंग्स और लैंस का टाइम गुजरता है, बट जो हिंग होता है वो थोड़ा डरा हुआ होता है, बिकॉज मैडम ही उसको ना थोड़ा थोड़ा टाइम बाद ग्लेयर कर रही थी, जिससे ना जो हिंग था वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, और जो वांगजी था वो ये चीज़ नोटिस करता था तो उसको गुस्सा रहा था कि ना मैडम यू की हिम्मत कैसे उसको ना हिंग को डराने की, और जो हिंग था वो सच में डर भी रहा था। और उसके बाद फिर ना जब वो ना सारी ग्रेट करते हैं तो एक दूसरे तो वहाँ से जाने जाते, तो जो वांगजी होता है वो ना अपने फादर के साथ ना बिजनेस की ना बात करने लगते थे। उस टाइम पर जो हिंग होता है वो ना वॉशरूम के लिए ना मिसेज लैंड से पूछा, तो मिसेज लैंड उसको ना बताते थे कि किस टाइम पे किस जगह पे है, तो जो फी होता है वो उस पर हाँ मिला तो वहाँ से चला जाए, तो उसके पीछे ना मैडम यू भी चली जाती है। और फिर हम देखते हैं विंग का सीन जो कि ना वॉशरूम आता है और फिर ना अपने फेस को वॉश करने लगता है। उस टाइम पे जो मैडम यू है उसके ना जोर से ना उसको मारती है, थप्पड़ मारती है उसके ना फेस को ना जोर से अपनी तरफ करती है, और उसके ना हेयर्स को ग्रैब करके उसके फेस पे जोर से थप्पड़ मारती है, और ना जो विंग होता है वो नीचे गिर जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मैडम यू ने उसको मारा क्यों है, तो फिर ना वो मैडम यू की तरफ देखने लगता है और फिर कहती कि ना तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते कि तुमने जो लाल मांझी को अपने सीड्यूस कर लिया, अपने जाल में फंसा लिया। मैं बता तुम्हारी मदर भी एक स्लट थी, तुम भी एक स्लट ही हो सच में। वो इस तरह बोलता तो फिर जो विंग होता है वो उसके आईज में टीयर्स आ जाते थे ये बातें सुन के, और मैडम भी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, अब तो वो मैरिड है तो अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है तो उनके पास कोई राइट नहीं है उसको ऐसा कहने का। तो ना अपने उसने सर को नीचे कर लेते कहते हैं बट मैडम भी वो मेरा हस्बैंड है, तो फिर ना कहते ओ हस्बैंड ओ रियली, तो तुम्हें सच में लगता है कि ना उसने तुम जैसे स्लट को ना हस्बैंड की वैल्यू दी भी होगी, तुम पहले ऑलरेडी एक पर्सन के साथ सो चुके हो और पता नहीं और कितने पर्सन के साथ सो चुके हो गए, ये तो मुझे एक पता है। वो इस तरह मुझे तो फिर ना जो विंग होता है उसके आईज में दोबारा से टियर्स आ जाते हैं, वो कहते मैडम यू उस पर्सन में सब रेप किया था, मैंने उसके साथ ही सोया था और वो मेरा फर्स्ट था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप मेरे बारे में सोचे। तो फिर ना मैडम यू ना उसके फेस पे और जोर से स्लैप करती है और फिर कहती है ना तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हाँ तो मुझे गलत साबित करना चाहती हो, तुम मुझे गलत साबित करना चाहती हो, ये बोलती है। फिर जो यूंगी होता जो तैंग होता विंग, तो फिर ना विंग ना रो रहा था, जो मैडम यू उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ना तुम सिर्फ एक बैट बॉल मारो, ये बोलती है। और फिर ना वहाँ से ना गुस्से से चल जाती है, और उसको ना जो अब हम देखते हैं वांगजी का सीन, जहाँ पे जो वांगजी होता है वो जो फील करते कि ना वहाँ पे ना मैडम जो विंग नहीं है, तो फिर ना जब वो ना विंग को ढूंढने के लिए जाने वाला था तो वो नोटिस करते हैं कि वहाँ मैडम यू भी नहीं है, तो वो घबरा जाता है कि मैडम यू कहीं विंग के साथ है, तो वो फौरन ना अपनी मदर से जाके पूछते कि ना मदर आपने कहीं विंग को देखा है, तो फिर ना जो उसकी मदर होती है वो बताती है कि ना विंग वॉशरूम गया है, तो वो फौरन ना वांगजी भाग के वॉशरूम की तरफ जाता है, बट ना वॉशरूम से ना मैडम यू बाहर आती है, तो फिर ना जो विंग और तो फिर ना बट वो ना सोचते कि ना शायद मैडम यू वॉश हो गई थी, बट उसको फिर याद आता है कि उसकी मदर ने बोला था कि ना विंग वॉश हो गया था, जो जो मिसेज जियांग थी वो वहाँ से चली जाती है वांगजी को फुली इग्नोर करके, और जो वांगजी तो फौरन ना वॉशरूम में जाता है, और जब अपने सामने की कंडीशन देखता है तो अपने सामने की ना विंग की कंडीशन देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको दिल कर रहा था कि वो अभी क्या अभी मैडम यू को जाए और उनका ना वहीं पर ना उनको शूट कर दे, बिकॉज जो विंग था वो ना बिल्कुल वॉशरूम के कॉर्नर में बैठा हुआ था और रो रहा था, और उसने ना अपनी नीज को हक किया था, तो फिर ना वांगजी फौरन उसके पास जाता है, उसको कहता है विंग विंग दफ्ते को क्या हुआ है तुम रो क्यों रहे, ये बोलता है उसके ना फेस को ना लिफ्ट अप करता है, और फिर जब वो देखता है तो उसको ना और ज्यादा उसका ब्लड बॉइल करने लगता है, बिकॉज तो उसकी दोनों चिक्स ना डेड हो गई थी और उसके ना लिप्स ना हल्की सी ना वो कट भी लग गया था, तो फिर ना वो ना जैसे ही वांगजी को देखता है तो फौरन ना वांगजी को हक लेता है रोने लगता है, तो जब वांगजी होता है वो भी उसको बैग हक कर लेता है, और उसके बाद फिर ना वो फौरन उसको वॉशरूम से लेके आता है, और फिर ना वो सारे ना तो दूसरे साइड में थे और जिससे ना वो वॉशरूम उस साइड में नहीं था, तो फिर ना किसी को पता ही नहीं चलता कि जो हमारे फंक्शन है वो ना मेंशन से बाहर चले गए, और जो मुझे तो वो फौरन ना विंग को लेके आता है कार में ना जैसे बिठाने लगता तो फिर ना विंग कहते नहीं मुझे मुझे नहीं यहाँ बैठा मुझे यहाँ बैठना, तो फिर ना वो जब विंग मुझे तो वो गहरे सांस लेता है, उसके बाद फिर ना वहाँ से ना एक ड्राइवर को बुलाता है, उसका कहता है कि ना कार ड्राइव करो, तो फिर ना वो जो ड्राइवर कहते हैं ओके, और उसके बाद फिर ना जो मुझे तो वो ना बैक सीट पर जाके बैठ जाते, और फिर ना वो विंग ना अपनी लैप में बैठा लेता, और विंग ना वहाँ कम्फर्टेबल रहता है, और वो ना वांगजी को ना करके ना वहीं रोता रहता है पूरी कार में, और ना ये वांगजी को ना बहुत ज़्यादा उसको ना हार्ट में ना पेन फील करा रही थी।
और अपन देखते हैं कि रंग उनका घर का सीन सामने, जो ना जो विंग था वो घर पे वो कार में रोते रोते सो गया था, तो जो वंग जो था उन्होंने डिटेंड नहीं किया था दोनों ने उस टाइम पे ना, जब उसको ना अपनी मदर की कॉल आती है कार में आती है, तो फिर ना वो वहाँ पे ना साइलेंट कर देता अपने फ़ोन को, और ताकि ताकि वो विंग को उठाना दे, तो उसको ना जाके बेडरूम में लिटाते और फिर बाहर आते और फिर कहते हैं हेलो मॉम, तो फिर कहते हैं ना तुम दोनों कहाँ चले गए, तो मैं पूरे घर में ढूंढ रहे कहाँ हो तुम, तो फिर कहते हैं ना मदर ना विंग की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसको घर लिया, तो फिर ना जो मैडम ये लाइन होती है वो कंसर्ट हो जाती है, और कहते हैं ना क्या विंग को, तो फिर ना वो कहते हैं कि ना कुछ नहीं मैम मदर बस थोड़ा सा ना चक्कर आ गए थे तो मैं उसको घर ले आया, तो मैं कहते ओ अच्छा ठीक है तो उसका ख्याल रखना, तो फिर ना वो कहते हाँ मम जी, तो फिर ना विंग का घर ले आया, फिर फूड बनाने लगता है, और फिर ना ऐसे बहुत ही लाइट फूड बनाता है, फिर ना अंदर जाता है और देखते हैं कि ना जो विंग है वो उठा हुआ है, और फिर हम कुछ सोचे तो जैसे वो वंग जी को देखते तो घर डर जाते और फिर ना पीछे हटने लगते, तो फिर ना वंग जी को ना फिर से हार्ट में ना अपना पेन फील होता है कि ना विंग उससे फिर से डरा, तो उसके पास जाते हैं और कहते मेरे पास ना मैं एक यूज पर्सन हूँ, मेरे पास ना मुझे ना मारो, मुझे प्लीज़ मेरे पास ना मुझे प्लीज़ डरने बोलो, ये करके ना फिर रोने लगता है, तो फिर ना जो वंग जी के आइज में टीयर्स होते हैं वो कहते प्लीज़ विंग प्लीज़ ऐसे ना करो, मैं देखो मुझे भी हार्ट फील हो रहा है, प्लीज़ मैं ऐसे ना करूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर जो विंग होता है वो बस रो रहा था, उसके वजह से वो अपनी सेंसेस में हुई ना, तो फिर उस टाइम पे ना वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वंग जी ना एक गहरी सांस लेता और फिर ना विंग को ना लिटा था और उसको ना सूप बना के आया था, तो फिर ना उसको ना अपने ना माउथ से ना विंग को पिलाने लगता है, उसको ना पिलाने में हेल्प करता है, और नींद में इसको पिला के ना वहाँ से ना चला जाता है, और फिर ना अपने ना कज़न ब्रदर को फ़ोन करता है जो होता है लैंड हॉल कॉन, तो उसको फ़ोन करता है, और फिर ना विंग वो एक होता उसका कज़न ब्रदर था वो एक साइकोलॉजिस्ट था, तो उसको कॉल करते हैं कहते हैं ब्रदर, तो फिर कहते हैं कहना क्या वांग जी क्या वांग इतने टाइम बाद कॉल किया, तो फिर कहते हैं आप कैसे हो, तो फिर कहते हैं मैं ठीक हूँ, तो फिर ना वो ना विंग के बारे में बोलते हैं, और फिर ना जो लहना आयकॉन होता है वो सारी बातें सुनते हैं, फिर कहते हैं ना वांगी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ना किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और ना ही मेरे पास लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारे हस्बैंड की कंडीशन है तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ उसको ना लव चाहिए, अगर तुम उसको सिर्फ लव ही दे दोगे तो उसको ना कोई इस तरह के ना उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर तुम उसको ट्रीट कराने के लिए ना मेरे पास भी लाएगी किसी और के पास भी लेके गए तो हो सकता है उसको थोड़ा बुरा लगे, तो और वेल उसके जो इस टाइम जो रियल मेडिसिन है वो सिर्फ तुम्हारा लव है, तो तुम जितना हो सके उसको अपना लव केयर शो कराओ, जैसे ना वो बिल्कुल ही हर चीज़ भूल ही जाए जो भी उसके साथ पास्ट में हुआ है, तो फिर ना जो वंग जी होता है वो कहते हैं ओके ब्रदर थैंक यू सो मच, तो फिर ना जो लड़ा आइकन होते कहते हैं माय प्लेजर, ये बोलते हैं और कॉल कट हो जाती है, और फिर हम देखते हैं वंग जी का सीन जो फिर मॉर्निंग का सीन होता है जो ना विंग को आकर के सोया था, और जैसे ना विंग की आई सोपन होती तो ना अपने साथ ना वंग जी को सोया हुआ देखता है, तो उसके फेस पे ना एक बहुत प्यारी सी स्माइल हो जाती है, और फिर ना वो वंग जी की तरफ देखते हैं, उसे ना लिप्स पे ना किस कर देता है एक हल्का सा पैक करता है, और जो वंग जी तो अपनी आई सोन ओपन कर लेता है, और जिससे देखना विंग डर जाता है, बट ना ये चीज़ ना वंग जी नोटिस कर लेते हैं, और उन्हें ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो ना स्माइल करता है, और जो एक्चुअल में वो स्माइल करता है और बहुत ज़्यादा खुश था वैसे ही, तो फिर ना वो भी विंग का ना किस पैक करता है, ये देखना विंग शो कर देता है, वंग जी तरफ देख रहा था, जो वंग जी होता है कहते हैं गुड मॉर्निंग विंग, वही सब बोलता है, और फिर ना स्माइल करता है, तो फिर ना विंग उसकी तरफ देखता है, वो कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तो फिर ना जो वंग जी कहते हैं क्यों अपनी वाइफ ही से गुस्सा होता है ये बोलता है, और फिर ना विंग को ना अपने ऊपर खींच लेता है, और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है, और जो ना विंग ये बातें सुन के था उसका फेस रेड हो गया था, तो अब हम देखते हैं कि जो विंग होता है वो ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, तो वो वंग जी को कॉल करता है, वंग जी जो होता है मीटिंग में होता है इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है, तो फिर ना उसका जो फ़ोन होता है कैबिन में पड़ा होता है उसके ऑफिस कैबिन में, तो वहाँ पर ना उसकी सेक्रेटरी होती है जो ना कुछ फाइल्स को लेने आई थी, तो फिर ना वो उस कॉल को अटेंड करके कहती हेलो, तो फिर ना जो यूं जो विंग था वो कहते कि ना मैं वंग जी से बात हो सके, तो फिर ना कहते कि ना सॉरी सर आप ना वंग अभी सर से बात नहीं कर सकते वो मीटिंग में है, तो फिर ओ ओके ठीक है वैसा बोलते हैं, तो फिर ना कॉल कट कर देते, और जो सेक्रेटरी थी वो फिर ना जाती है वंग जी को ना बता भी देती है, तो वंग जी